हम डिलीवरी नहीं करेंगे, दो दिन में करवा लेंगे। आपको पुराना लग रहा है ना? जी क्या है बंद पड़ा था, मैंने साफ किया था। हम नहीं जानते नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ। बिहार की कड़क आईपीएस अधिकारी भड़क गई। जी हाँ, हम बात करें बिहार होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर की, तो शोभा अहोतकर ने गंदगी को देखकर भड़क गई और जमकर फटकार लगाया और कहा कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे किस तरीके से बिहार होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर भड़क गई गंदगी को देखकर। तस्वीरें आप देखें, ये गड़बड़ हो रहा है क्योंकि अभी तो काम 12 से आप शुरू कर रहे हैं ना, तो कहाँ बैठाएंगे नीचे? ये क्या हुआ? हम डिलीवरी नहीं करेंगे, दो दिन में करवा लेंगे। आपको पुराना लग रहा है ना? जी क्या है बंद पड़ा था, मैंने साफ किया था। हम नहीं जानते फिलहाल आपको बता दें कि बिहार होमगार्ड की डीजी शोभा अहोतकर आज हाजीपुर में नव निर्मित होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची और साथ में एडीजी विकास वैभव और एसपी चंदन कुशवाहा भी मौजूद थे। डीजी शोभा अहोतकर ने पूरे बिल्डिंग के एक एक रूम का जायजा लिया और इस दौरान गंदगी को देख भड़क गए, जमकर फटकार भी लगाए, कही कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि पुलिस निगम के द्वारा हाजीपुर होमगार्ड ट्रेनिंग भवन को बनाया गया है और उसे भी होमगार्ड विभाग ने हैंडओवर नहीं लिया है। बिल्डिंग को हैंडओवर लेने से पूर्व होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर बिल्डिंग का जायजा लेने पहुंची थी और मीडिया से बात करते हुए शोभा अहोतकर ने बताया कि हाजीपुर में 200 जवानों का ट्रेनिंग होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी के 22 रिटायर्ड सूबेदार को लिया गया है जो होमगार्ड के नए जवानों को ट्रेनिंग देगा और अब बहुत जो टफ ट्रेनिंग होमगार्ड के जवानों को देने जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए निरीक्षण के दौरान जो जायजा लेने पहुंची थी डीजी शोभा अहोतकर और गंदगी को देख जमकर भड़क गई और जमकर फटकार लगाया होगा कि यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अग्निशामक में भी कई बदलाव हुआ है, आग पर काबू पाने के लिए कई नई टेक्नोलॉजी को लाया गया है और बिहार में सबसे कड़क आईपीएस के रूप में चर्चित शोभा अहोतकर जब पूरे बिल्डिंग का जायजा लेना शुरू किया तो पुलिस निगम के इंजीनियर को कड़ाके की ठंड में पसीना छूट गया। मगर जब मीडिया से बात करते हुए शोभा अहोतकर ने कहा कि बहुत अच्छा बना है भवन, तो सभी ने राहत की सांस ली।
शोभा अहोतकर ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि वैशाली जिला से बहुत कुछ यादें जुड़ा हुआ है। हम जिलावासी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दोहाजीपुर में बिल्डिंग का जायजा लेने गए थे, एक एक रूम का डीजे शोभा अहोतकर ने जायजा लिया और इस दौरान वो गंदगी को देख काफी भड़क गए और जिसकी वजह से जमकर फटकार लगाए। और उसके बाद आपको कि वो अपनी पुरानी यादों को भी ताजा उन्होंने किया, कहा कि बहुत सारी पुराने यादें जुड़ी हुई है और कई ऐसे टफ ट्रेनिंग है जो कि किया जाएगा। ऐसे तमाम ऐसी सारी बातें डीजी शोभा अहोतकर ने कही है मीडिया के समक्ष, तो और साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। साथ ही कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।